सलाम नमस्कार सत श्री अकाल, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि ये सोल्डर जो एक ऑप्शन देखने को मिलता है हमें पबजी न्यू स्टेट के अंदर, तो क्या इसे यूज करना चाहिए। आज की इसके बारे में मेरे पास चार टॉपिक है। सबसे पहले टॉपिक ये है यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दूसरा ये है कि यूज करने के फायदे क्या है, और तीसरा ये है कि यूज करने का नुकसान क्या है, इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है, और चौथा ये है कि भाई इसे यूज कैसे करें। तो अगर आप जानना चाहते हो ये सोल्डर ऑप्शन के बारे में, ये क्या वर्क करता है एंड कैसे इसे यूज करना है, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, तो बने रहिए वीडियो को इन तक। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिएगा, जिससे कि पबजी न्यू स्टेट की हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। और वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट मैं चाहता नहीं, 100 लाइक टारगेट देता हूं गाइस, तो आप लोग 100 लाइक करा दो फटाफट। तो मैं सबसे पहले बताऊं आपसे, यहां शुरुआत कर दूं कि इसे यूज कैसे करना है, ठीक है, इसे यूज कैसे करना है, आप कैसे इसे ऑप्शन को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो सोल्डर का ऑप्शन मेरे पे स्क्रीन पर नहीं है, ठीक है, तो कंट्रोल्स में नहीं है। अब आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको कंट्रोल्स में जाना है। कंट्रोल्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्कोप एंड सोल्डर मोड। तो इसको आपको जो सेपरेट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेपरेट बटन पे क्लिक कर देते हो तो आपको पैक आ जाना है। तो अब मेरे पास यहाँ पर सामने सोल्डर मोड यहाँ पर ओपन हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। इसकी कुछ टिप्स भी है, मैं आपको देना चाहूंगा, आप अपने हिसाब से इसको ओपन और यानी कि बताओ कि आप इसे यूज कर सकते हो। जैसे स्कोप को आप यूज कर सकते हो, तो वैसे यहाँ पर आप सेटिंग में जाना, आपको कंट्रोल्स पर जाना, चार देखने को मिल जाएंगे सोल्डर वाले वेपन पे। पहले हमें नॉन टैप, लॉन्ग प्रेस और कंबाइंड टैप एंड लॉन्ग प्रेस, तो ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप नॉन पे क्लिक करोगे तो यार आपके वो शोल्डर मोड का जो ऑप्शन है वो आपके से मूव हो जाएगा कंट्रोल्स के आगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है टैप पर। जैसे आप टैप पे क्लिक करोगे तो आपके एक टैप पर जो शोल्डर मोड ओपन हो जाएगा, और उसके बाद जैसे दोबारा आप उस पर क्लिक करोगे तो ऑफ हो जाएगा। तो ऑफ ऑन ऐसे ऐसे होता रहेगा। और अगर आप सेटिंग में जाकर टैप से लॉन्ग प्रेस वाले बटन पर क्लिक करते हो तो आपका जो शोल्डर मोड का ऑप्शन है आप जब दबाए रखेंगे तब आपका वो शोल्डर मोड ओपन हो जाएगा, और जब छोड़ेंगे तो वो हट जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो वैसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो लास्ट वाला है भाई, आपको कॉम्बैट एंड लॉन्ग प्रेस टैप और लॉन्ग प्रेस दोनों देखने को मिलता है, उसमें सेम ही है। आप जब टैप करोगे तो आपका शोल्डर मोड ओपन होगा, और जब आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो वैसे ही सेम टू सेम, समझ गए होगे आप। जैसे कि पबजी मोबाइल एंड पीजीएमआई में भी ऐसा था, पीक एंड फायर में, तो वैसे शोल्डर मोड में भी ये सब ऑप्शन है। शोल्डर मोड के ऑप्शन को लेकर एक और सेटिंग है जो कि आपको बहुत जरूरी है। कंट्रोल्स में जाने के बाद जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा थर्ड नंबर पर कैमरा रोटेशन वाला, तो ये आपका डिसेबल रहेगा। तो अगर आपका ये डिसेबल रहता है तो क्या इसका वर्क होता है, मैं आपको बता देता हूँ। डिसेबल जैसे आप करते हो तो आप जब इसको जब पकड़ते हो तो ना, तो आप मूव नहीं कर पाते हो, ठीक है, आप इसको हिला नहीं सकते उसी को पकड़ के। और जैसे ही आप इसको इनेबल करते हो ना, तो आप जो है इसको जब शोल्डर मोड वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे तो आप इसको मूव भी कर सकते हो, तो इसका आपका मूवमेंट अच्छा होगा, और आप अपने मूव कर करके आप मार सकते हो हर एक मतलब एनिमी को जो भी आपको अंडर में लेना है, तो वैसे आप यहाँ पर ले सकते हो। अब भाई यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि भाई जी हाँ, फायदे हैं, बहुत ज़्यादा ही हैं। गाइस जब आप लोग ऐसे फायर करते हो तो आपका जो है क्रॉस हेयर बड़ा होता है, और आपका जो एम है, जो आपकी गोलियाँ रहती है, वो एक्यूरेसी जो होती है वो भाई छिदरा के जाती है, वो गोलियाँ पूरी छिट के जाती है। और जब आप शोल्डर का यूज़ करते हो तब आप ऐसे करते हो तो जो आपका एम है, जहाँ आपका जो एम है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, और गोलियाँ वहीं कनेक्ट होती है जहाँ आप उसको लेकर जाते हो। एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, जब हम लोग क्राउन करते हैं तो हमारा एम जो है ना धीरे धीरे बड़ा होता है, और जब बड़ा होता है वही हम लोग अगर शोल्डर चीज़ का अगर यूज़ करते हैं, हम लोग शोल्डर जो ऑप्शन है उससे हम लोग जब यूज़ करते हैं तो वो जो भाई हमारा एम जो है छोटा कर देता है, और पूरा परफेक्ट एम जाता है जहाँ हम लोग ले जाते हैं। ये चीज़ बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में भी आ सकता था, जबकि भाई उसमें क्यों नहीं आया। तो बात ये है कि भाई यहाँ पर एक्यूरेसी जो है ज़्यादा है गन की, इसलिए शोल्डर मोड को दिया गया है ताकि आप लोग एम लगाओ गन से। तो इसीलिए भाई शोल्डर ऑप्शन जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड यहाँ पर बात किए तो शोल्डर ऑप्शन मुझे पसंद आया, इससे हम बिना स्कोप के यहाँ पर अपने सामने वाले एनिमी को जो है आसानी से मार सकते हैं। नुकसान ये थोड़ा सा है कि गाइस हम लोग जब मूवमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो मूवमेंट यहाँ पर थोड़ा कम हो जाता है जब हम लोग शोल्डर मोड को जब ओपन करते हैं। ऐसे अगर हम लोग हवा में गोली चलाते हैं तो हमारा मूवमेंट बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन जब हम लोग शोल्डर मोड को थोड़ा सा ओपन करते हैं ना, तो हमारा थोड़ा सा मूवमेंट लो हो जाता है, बस इतनी सी दिक्कत है। लेकिन गाइस यहाँ पर बात की शोल्डर मोड का, जो ओपन करोगे तो वही सही है, क्योंकि भाई आपका तब उस टाइम एम जो है, एम कनेक्टिविटी आपकी अच्छी हो जाएगी, और बंदे पे एम बहुत ही अच्छा लगेगा। अब भाई लास्ट ये क्वेश्चन आता है कि क्या हमें यूज़ करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जरूर यूज़ करना चाहिए। अगर आप नहीं यूज़ करते हो तो भाई वो आपका ही नुकसान है। आप बिना शोल्डर ऑप्शन के फायर करोगे तो बहुत ही गंदा फायर होगा और बेकार लगेगा। तो उसके बाद आपकी 10 गोली बाहर जाएगी, 4 गोली अंदर लगेगी, तो वो बेकार है भाई। और 4 गोली बाहर जाए, 10 गोली अंदर लगे, वो सही है। एक गाइस एक चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको क्या शोल्डर ऑप्शन जो अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, आपको
शोल्डर ऑप्शन आप यूज़ करते हो कि नहीं करते हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।